हेलो फ्रेंड, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राउंड रोबिन सीपीयू शेड्यूलिंग के बारे में। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। सो जल्दी से देखते हैं कि राउंड रोबिन सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है। सो अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर बात करें कि राउंड रोबिन सीपीयू शेड्यूलिंग क्या होता है, तो राउंड रोबिन क्या है कि एक ओल्डेस्ट और सिंपलेस्ट सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। एक क्या है कि जो बहुत पुराना और पहले से यूज होने वाला और बहुत ही इजी वे में हम इसका इस एल्गोरिथम का आसानी से यूज कर सकते हैं। द नेम ऑफ द एल्गोरिथम कम्स फ्रॉम द राउंड रोबिन प्रिंसिपल। इसका नाम जो था राउंड रोबिन सीपीयू शेड्यूलिंग का नाम राउंड रोबिन प्रिंसिपल से लिया गया है। वेयर इसमें क्या होता है कि जितने भी प्रोसेस होते हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, या कह सकते हैं कि जितने भी प्रोसेस होंगे अगर उनको हमें एग्जीक्यूट करना है तो सारे प्रोसेस को हम क्या करते हैं कि इक्वल टाइम देते हैं प्रोसेस को एग्जीक्यूट। जैसे अगर कोई सिस्टम में 5 प्रोसेस है तो सीपीयू में पांचों प्रोसेस क्या करेंगे, जाएंगे और एक इक्वल टाइम के लिए प्रोसेस के अंदर यानी सीपीयू के अंदर रहेंगे और एग्जीक्यूट होंगे, फिर स्विच होंगे, फिर दूसरा प्रोसेस एंटर करेगा। तो ये है राउंड रोबिन शेड्यूलिंग का मतलब। अगर इसका बात करें कि सबसे ज्यादा यूज होने वाला कहां है, तो इट इज मोस्टली यूज फॉर द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो जो राउंड रोबिन सीपीयू शेड्यूलिंग है सबसे ज्यादा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है, क्योंकि जहां पे मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करना होता है वहां पे इसका यूज सबसे ज्यादा देखा जाता है। सो अगर इस बात को हम समझे एक एग्जांपल के जरिए तो ज्यादा हमें समझ में आएगी। तो हमारे पास एग्जांपल क्या है कि कंसीडर द फॉलोइंग टेबल ऑफ जो भी हमारे पास अराइवल टाइम है, बर्स्ट टाइम है फॉर ए प्रोसेस P1, P2, P3, P4। तो गिवन इसमें टाइम क्वांटम हमको दे रखा है। टाइम क्वांटम क्या होता है, दो, मतलब हर एक प्रोसेस दो टाइम्स के लिए एग्जीक्यूट होगा। 2 मिलीसेकंड्स भी हो सकता है, 2 सेकंड्स भी हो सकता है, 2 मिनट भी हो सकता है, मतलब जो भी सीपीयू के अंदर जो भी प्रोसेस एंटर करेगा वो सिर्फ 2 टाइम्स के लिए एग्जीक्यूट होगा, या 2 मिलीसेकंड्स हो सकता है या 2 सेकंड्स हो सकता है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में दे रखा है मिलीसेकंड, तो हम मिलीसेकंड ही मानेंगे, मतलब जो भी प्रोसेस एंटर करेगा सीपीयू के अंदर 2 मिलीसेकंड्स एग्जीक्यूट होगा, फिर ऑटोमेटिक क्या होगा कि वे स्विच हो जाएगा, दूसरा प्रोसेस क्या करेगा उसको स्विच करके एंटर कर जाएगा। तो देखते हैं प्रोसेस क्या है, P1, P2, P3, P4 है, जिसका बर्स्ट टाइम क्या है, P1 का बर्स्ट टाइम क्या है 5 है, P2 का 4 है, P3 का 2 है और P4 का। अब बर्स्ट टाइम होता क्या है कि मतलब को जो भी प्रोसेस P1 है अब इसको पूरी तरह से एग्जीक्यूट होने के लिए जो बर्स्ट टाइम है 5 मिलीसेकंड इसको चाहिए। अगर इसको हम प्रोसेस P1 को 5 मिलीसेकंड देते हैं तो इसका एग्जीक्यूशन पूरी तरह से कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो सकता है। अब P2 का क्या है, इसको 4 मिलीसेकंड चाहिए, और P3 क्या है, इसको 2 मिलीसेकंड्स, और क्या 4 का क्या है 1 मिलीसेकंड। अब अराइवल टाइम क्या होता है, अराइवल टाइम क्या होता है कि कौन सा प्रोसेस सिस्टम में कितनी बजे एंटर कर रहा है। अब बजे का मतलब मान लो कि जैसे घड़ी में क्या है, 0 बज रहा है, 1 बज रहा है, 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, तो इस हिसाब से हमने मान लिया कि सिस्टम में क्या 0 है, 1 है, 2 है, 3, कोई प्रोसेस 0 पे एंटर कर रहा है, फिर 2 पे कर रहा है, 1 पे कर रहा है, तो इस तरह से। अब जो प्रोसेस पहले एंटर करेगा उसका एग्जीक्यूशन पहले स्टार्ट होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। इसमें होता क्या है कि हम सारी चीज़ें देखते हैं, सारी चीज़ें देखने का मतलब है कि सबसे पहले हम देखेंगे प्रोसेस P1। राउंड रोबिन में क्या होता है कि प्रोसेस 1 बाय 1 एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अब इसका हम ग्रांट चार्ट अगर क्रिएट करें तो ग्रांट चार्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या है कि सिस्टम में 0 बजे कौन सा प्रोसेस एंटर कर रहा है, P1 हो कर रहा है, ठीक है। तो P1 का हम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन P1 कितनी बजे तक एग्जीक्यूट होगा इसका क्वांट टाइम हमें दे रखा है 2 मिलीसेकंड्स। तो मतलब अगर P1 को हम एग्जीक्यूट करें, सीपीयू में एंटर करें, तो 2 टाइम्स अगर ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो बचेगा कितना, 3 टाइम्स बचेगा, 3 मिलीसेकंड्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से P1 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है और सेम बचा है, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, इसका 3 बचा है, अब 3 बज गया, 3 बजे से पहले प्रोसेस में एंटर कौन कौन कर रहा है। यहाँ पे जैसे मान लिया हमने कि 3 बज गया, अब एग्जीक्यूशन करने में जैसे 2 टाइम्स लिया, 2 बजा, तो 2 बजे से पहले कौन एंटर कर रहा है, 1 मिलीसेकंड कर रहा है, मतलब 1 बजे वाला प्रोसेस। तो 1 बजे वाले प्रोसेस में कौन है, P2 है। तो P2 क्या है,
जिसका बच टाइम कितना है 4 है। अगर हम 4 में से 2 टाइम्स एग्जीक्यूट हो जाएगा तो बचेगा कितना, 2 टाइम्स बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 से 4 तक एग्जीक्यूट कर दिया P2 को। अब बचा हमारे पास क्या, 2 बचा। अब आगे देखने हमारे सिस्टम में बजा कितना, 4 बज गया। 4 बजा तो 4 बजे से पहले कौन कौन प्रोसेस एंटर कर रहे हैं, तो हमारे पास कर रहा है, 0 कर रहा है, 1 कर रहा है, 2 कर रहा है। तो हम सबसे पहले 2 को देखेंगे, क्योंकि 2 अब P3 को देखेंगे, तो P3 का बच टाइम कितना है, 2 है। अगर हम 2 का एग्जीक्यूशन 2 टाइम हमें कराना है, 1 टाइम 2 मिली सेकेंड्स है, तो इसका पूरी तरह से कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से सिस्टम से बाहर निकाल देंगे, क्योंकि इसका पूरी तरह से एग्जीक्यूशन हो गया। तो P3 के क्या, P4 से P6 तक फिर पूरी तरह से एग्जीक्यूशन हो गया। अब सिस्टम में कितना बज रहा है, 6 बज रहा है। देखो 6 बजे हम दोनों चीज़ें एंटर करा सकते हैं। अब हमारे पास कोई प्रोसेस 4 बजे अब एंटर कर रहा है, ठीक है, 4 बजे, जिसका बच टाइम कितना है, 1 है, और यहाँ पे क्या है, 3 है, 2 है। तो इसमें हम या तो प्रोसेस P4 को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्रोसेस P1 को। हमने मान लिया प्रोसेस P1 को हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। जब प्रोसेस P1 को हम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे 2 टाइम्स, जब 2 मिलीसेकंड एग्जीक्यूट होगा तो 3 में से तो फिर 1 मिलीसेकंड बचेगा, ठीक है, 1 मिलीसेकंड बचा। 6 से हम आ गए 8 पे। अब 1 मिलीसेकंड इसका भी, 1 मिलीसेकंड इसका भी। तो हमने मान लिया कि अब हम प्रोसेस P4 को एग्जीक्यूट कराते हैं, या फिर हम क्या करा सकते हैं, P2 को भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो हमने P4 को एग्जीक्यूट कराया, जिसको टाइम, इसका टोटल टाइम टेकिंग कितना प्रोसेस टाइम लेगा, 1 लेगा, 1 मिलीसेकंड में एग्जीक्यूट हो गया। 8 से हम आ गए 9 पे। अब सिस्टम में कितना बच गया, 9 बच गया, 9 मिलीसेकंड हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम प्रोसेस P2 को एग्जीक्यूट करेंगे। प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट करेंगे तो इसको 2 चाहिए, 2 जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो प्रोसेस P2 भी, इसका भी कंप्लीशन हो गया, ठीक है। तो P2 का जब कंप्लीशन हो जाएगा तो P2 क्या है, 9 से 11 पे आ गया, P2 का कंप्लीशन एग्जीक्यूट। अब बचा क्या है, सिर्फ हमारे पास प्रोसेस P1 बचा है। प्रोसेस P1 बचा, अब इसको टाइम कितना चाहिए, बच टाइम इसका कितना है, 1 है, और क्वांट टाइम हमारे पास 2 है। तो हम क्या करेंगे, 1 इसको दे के पूरी तरह से इसका भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देंगे। तो प्रोसेस P1 11 से हम आ जाएंगे 12 पे। तो इस प्रकार क्या हो गया, पूरी तरह से एग्जीक्यूशन प्रोसेस का हो गया। इसमें क्या होता है कि एक प्रोसेस मल्टीपल बार आता है, मतलब बार बार राउंड काटता रहता है जब तक कि उसका पूरी तरह से एग्जीक्यूशन नहीं हो जाता, क्योंकि इसमें क्वांट टाइम 2 है। मतलब हर एक प्रोसेस को एक इक्वल टाइम, एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अपने प्रोसेस को पूरी तरह से एग्जीक्यूट करे जितना उसको टाइम चाहिए। मतलब घूमता रहता है, जब तक पूरी तरह से एग्जीक्यूट ना हो जाए तब तक उस सीपीयू में राउंड लेता रहता है। तो इसलिए इसको राउंड रॉबिन भी हम कहते हैं। अब इसमें बात करें अगर कंप्लीशन टाइम, तो टाइम एट विच प्रोसेस कंप्लीटेड इट्स एग्जीक्यूशन, जिस टाइम पे प्रोसेस का पूरी तरह से कंप्लीट होता है उसे हम कंप्लीटेशन टाइम कहते हैं। टर्न अराउंड टाइम, इसमें क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, जो भी कंप्लीट हुआ है, जिस टाइम पे कंप्लीट हुआ है और उसमें से हम अराइवल टाइम को माइनस कर देंगे तो हमें टर्न अराउंड टाइम यानी TAT मिल जाएगा। वेटिंग टाइम की अगर बात करें तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है कि टर्न अराउंड टाइम यानी TAT माइनस बस टाइम, मतलब टर्न अराउंड टाइम क्या है उसका, फिर उसके बाद बस टाइम। अब आगे बात करते हैं, जैसे अब CT अगर कंप्लीशन टाइम की बात करें तो कंप्लीशन टाइम क्या है कि प्रोसेस कितनी बजे एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में देगा कि फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन में टर्न अराउंड टाइम फाइंड करो, कंप्लीशन टाइम फाइंड करो, या फिर वेटिंग टाइम फाइंड करो, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो इन सारी चीजों को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अब कंप्लीशन टाइम मतलब CT जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, तो CT को फाइंड आउट करने के लिए तो कह रहा है कि जिस प्रोसेस जिस टाइम पे पूरी तरह से एग्जीक्यूट हुआ है उस टाइम को हम कंप्लीशन टाइम कहते हैं। अब प्रोसेस P1 को देखिए कितनी बजे एग्जीक्यूट हुआ है, पूरी तरह से कंप्लीट एग्जीक्यूशन कब हुआ है, तो टाइम कितना है, 12 है, तो 12 पे P1 हुआ है। अब P2 का एग्जीक्यूशन 11 पे हुआ है, P3 का देख ले 6 पे हुआ है। तो यहां पे हम देखें क्या है कि P1 12 पे हुआ है, P2 11 पे हुआ है, P3 6 पे हुआ है। अब P4, आई होप कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से देखना है हमें यहाँ पे। अब P4 देखिए कहाँ से पूरी तरह एग्जीक्यूट, मतलब 9 पे। अब इसके बाद कहीं P4 तो नहीं आया, नहीं आया। अब P3 जैसे 6 हुआ था, अब इसके बाद 6 के बाद कहीं P3 तो नहीं आया, नहीं आया। जहाँ लास्ट टाइम आया होगा ये वाली टाइम हम देखेंगे और वहाँ सिंपली राइट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका हमें कंप्लीशन टाइम मिल गया। अब आगे बात आती है
कि टर्न अराउंड टाइम फाइंड करने के लिए। टर्न अराउंड टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो भी कंप्लीशन टाइम होता है उसमें से अराइवल टाइम को हम माइनस कर देते हैं। तो कंप्लीशन टाइम प्रोसेस P1, P2, P3, P4 का हमें फाइंड आउट हो चुका है, तो हम यहाँ पे सिंपली 12, 11, 6 और 9 लिख दिए। अब इसमें से हमें माइनस क्या करना है, यहाँ से हमने कंप्लीशन टाइम लिख दिया, उसमें से हमें माइनस करना अराइवल टाइम, प्रोसेस P1 अराइवल टाइम जो हमको क्वेश्चन में दे रखा होगा। प्रोसेस P1 का अराइवल टाइम 0 है, P2 का 1 है, P3 का 2 है और P4 का कितना है 4 है। ये हमें अराइवल टाइम दे रखा है, यहाँ से P1 का कितना है 0 है, P2 का 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जैसे हमें मिलेगा तो 12 में से 0 माइनस करेंगे, 11 में से 1 और 6 में से 2 और 9 में से 4, तो जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, टर्न अराउंड टाइम। अब बात आती है वेटिंग टाइम, तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है कि टर्न अराउंड टाइम माइनस बच टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम क्या आया, 12 आया है, 10 आया है, 4 आया है, 5, तो सिंपली इसको लिख लेंगे 12 है, 10 है, 4 और 5। अब इसका बच टाइम कितना, बच टाइम मतलब कि एक प्रोसेस जैसे P1 है, P1 को पूरी तरह से एग्जीक्यूट होने के लिए कितनी टाइम की रिक्वायरमेंट है। तो अब देखेंगे यहाँ से ये भी हमें क्वेश्चन में गिवेन होगा, तो जैसे P1 का है 5 है, P2 का क्या है बच टाइम 4 है, P3 का क्या है 2 है, P4 का 1 है, तो यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे उसमें से माइनस, टर्न अराउंड टाइम में से बच टाइम को माइनस कर देंगे। जब यहाँ पे हमने माइनस किया तो कुछ तरह से हमें आंसर कुछ इस तरह से। अब बात आएगी आगे की एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि जितने भी टर्न अराउंड टाइम होंगे प्रोसेस के सारे टर्न अराउंड टाइम को हम ऐड करेंगे, बाकी नंबर ऑफ प्रोसेस जितने नंबर ऑफ प्रोसेस होंगे उतने से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें टर्न अराउंड टाइम पता चल जाता है। तो हमारे पास क्या टर्न अराउंड टाइम क्या था, टर्न अराउंड टाइम क्या हमारे पास 12 था, 10 था, 4 था, 5 था, तो इन सबको ऐड किया, नंबर ऑफ प्रोसेस कितने थे हमारे पास 4 थे, तो 4 से हमने डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया एवरेज टर्न अराउंड। अब एवरेज वेटिंग टाइम की बात करें तो एवरेज वेटिंग टाइम को भी इसी तरह से फाइंड आउट करते हैं, जो भी वेटिंग टाइम होगा सबको हम ऐड कर लेंगे, 7, 6, 2, 4 को ऐड हमने किया तो हमारे पास क्या 19 आ गया। अब इसमें क्या कहेंगे, नंबर ऑफ प्रोसेस जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस होंगे उतने से हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा एवरेज वेटिंग टाइम मिल जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि राउंड रोबिन सीपीयू शेड्यूलिंग में किस प्रकार से सीपीयू शेड्यूलिंग होती है। सो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय गाइस।